इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर प्रस्तुत हूं। मैं अपने दर्शकों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि होलसम पर्सनैलिटी सीरीज का पर्पस ये है कि कैसे हम होलसम पर्सनैलिटी बनकर एक हैप्पी, सक्सेसफुल, पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ व्यतीत करते हुए समाज के लोगों को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की प्रेरणा देकर और मानव जाति के उत्थान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए कैसे हम अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम होलसम पर्सनैलिटी बनने के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए उनमें से कुछ गुणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण गुण इमोशनल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। हमारे समाज में अवधारणा है कि कोई व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होगा वो व्यक्ति उतना ही सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये अवधारणा धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि व्यक्ति की इंटेलिजेंस उसकी सर्वांगीण सफलता में मात्र 20% ही योगदान प्रदान करती है। व्यक्ति को एक हैप्पी, सक्सेसफुल, पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जीने में 80% योगदान तो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को हमारी विभिन्न मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का योग माना जाता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी अपनी और दूसरों की भावनाओं एवं संवेदनाओं को समझने, उनका सकारात्मक उपयोग करने, अपने को तनाव मुक्त रखकर दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनसे एक असरदार संवाद करने और अपने आंतरिक अंतर विरोधों को दूर कर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक सर्वे के अनुसार समाज में इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग एक तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग इसी तनाव के कारण कम उम्र में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या बहुत तनाव में आकर आत्महत्या जैसे दुखदायी कदम उठा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पारिवारिक रिश्तों में संकुचित सोच के कारण, आपसी संबंधों में कटुता और आपसी कलह का होना, कार्यस्थल पर साथ में काम करने वाले सहयोगियों के साथ नेगेटिव और कट थ्रोट कंपटीशन के कारण व्यक्ति का अपने को असफल मानकर एक तनावपूर्ण जिंदगी जीना और ज्यादातर लोगों का समाज में दूसरे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध का ना होना और एक दूसरे से अपने को बड़ा और पावरफुल समझने और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण समाज में मिक्स्ड अप ना होना और समाज से दूरी बनाकर रहने के कारण उन लोगों को एक एकाकी भरा और अवसादपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक और जहां व्यक्ति की अपनी संवेदना और भावनाओं को पहचान कर और भावनाओं को सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करने की कला तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। क्रोध, ईर्ष्या जैसे नेगेटिव थॉट्स को हमारी थिंकिंग से बाहर करती है, हमारी स्वयं की बातों को समझने और दूसरों को अपनी बात समझाने में सहायक होती है। वहीं दूसरी ओर हमारी दूसरों की संवेदनाओं और भावनाओं को महसूस करने तथा दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा बिना अपने भावों को व्यक्त किए उनके भावों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही हमारे व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और सोशल जीवन में दूसरों के साथ एक बेहतर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत से लोगों में इंटेलिजेंस की तरह इमोशनल इंटेलिजेंस भी जन्मजात गुण उपस्थित होता है और जिस प्रकार इंटेलिजेंस को अच्छी शिक्षा से और व्यवहारिक ज्ञान से बेहतर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने से
इमोशनल इंटेलिजेंस को सशक्त किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने को अच्छे से पहचानना होगा और अपने को सुव्यवस्थित करना होगा। हमें शुद्धता से अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को और संवेदनाओं को पहचान करनी होगी कि ये भावनाएं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, क्योंकि हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति ही हमारा व्यक्तित्व तय करती है और दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हों इसको भी सुनिश्चित करती है। अक्सर हमारे संपर्क में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं या कहिए रिएक्शनरी होते हैं। किसी भी समय में चाहे वो दूसरों की कही हुई कोई बात हो जो हमें अच्छी ना लगी हो या कोई अनचाही परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, ऐसे में वो लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं और इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इस रिएक्शन का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कई बार ऐसे लोग परिस्थितियों को और खराब कर देते हैं, यहां तक कि दूसरों से संबंध खराब हो जाने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को सोच समझकर सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की कला को अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने अंदर उठने वाली भावनाओं का नेगेटिव और पॉजिटिव भावनाओं के रूप में ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या नहीं। क्रोध, ईर्ष्या जैसी कोई नेगेटिव भावना तो हम पर हावी नहीं हो रही है, ताकि हम अपनी बातों को उसी अर्थ में अभिव्यक्त कर सकें जिस अर्थ में हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को समझकर और सोच विचार कर उनका सकारात्मक उपयोग करने के साथ साथ हमें दूसरों की भावनाओं को, चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त हो, उनके अर्थ में ही समझने की कला को भी सीखना होगा। इसके लिए हमें अपने मन को निर्मल करना होगा, क्षमा और दया भाव को अपनाते हुए दूसरों को सुनना होगा और उनकी भावनाओं को सकारात्मक रूप से महसूस करना होगा तथा उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया ही व्यक्त करनी होगी। दूसरों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि वो आपके साथ या समाज में अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त कर सके। हमें अपने परिवार में, कार्यस्थल पर और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी कंफर्टेबल फील कर सकें और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप में अभिव्यक्त कर सकें। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ जाएंगे और अपनी भावनाओं का सकारात्मक और नियंत्रित उपयोग करना शुरू कर देंगे, तब हमारी इंटेलिजेंस का स्तर थोड़ा कम होने पर भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन को खुशियों भरा, सफल, संतृप्त बनाने के साथ साथ मधुर पारिवारिक संबंधों को एंजॉय करते हुए अपने गोल्स को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करके मनचाही और स्वस्थ सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंट होना हमें समाज में अपने संबंधों को मजबूत कर एक बेहतर समाज बनाने में योगदान देने के साथ साथ मानव जाति के उत्थान के नए आयामों तक पहुंचाने में स्वतः योगदान प्रदान कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।